ये देखो दोस्तों आवाज़ कैसी आ रही है, खटर खटर खटर। अरे पूरी रेवर देखिए। ये क्या, ये क्या भाई साहब, राइडर्स ही राइडर्स जा रहे हैं। भाई इतना इतना सामान लगाकर कैसे भागते हैं ये यार, ये क्रैश गार्ड ना लग जाए जमीन से बस। सो गाइस ऑल सेट गो, अपना सारा काम यहाँ पर डन हो गया। सुबह से हो गई शाम गाइस, अब ये टाइम देख लो 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट। और अभी मेरे को बजाज के रियर वाले ब्रेक पैड लेने हैं इसके अपने डोमिनार 400 के लिए यार, क्योंकि सेफ रहेगा भाई, एक बार लेकर के चल लेता हूँ AMR बजाज। ओके 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 ओके। तो गाइस फटाफट से मैं ब्रेक पैड लेकर के आता हूँ। स्टोर ओपन है क्या, बढ़ गया एक भी हो कोई भी? मुझे को ब्रेक पैड अरेंज करा दीजिए, मुझे लद्दाख जाना है अभी अर्जेंट में। सिर्फ ब्रेक पैड पीछे वाले, कैसे भी केवल ब्रेक के पैड पीछे वाले। चलो कोई नहीं यार, मिल नहीं पाए अभी, टाइम ज़्यादा हो गया है। क्या कहते हैं, जा चुके हैं सब। सो गाइस दो सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? आपका येसु। तो भाई दो प्यारे प्यारे भाई मिल गए, ठीक है भाई, मिलेंगे ठीक है। लो गाइस यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट। अब गाड़ी थोड़ा थोड़ा मिसिंग भी मार रही है, तो गाड़ी को बहुत सख्त ज़रूरत है गाइस पेट्रोल की, तो इसको भाई पिलाते हैं। ये नोजल ऊपर रखिएगा, हाँ बिल्कुल इसमें लगा दीजिए, हाँ हाँ बस फुल कर दीजिएगा। आज गाड़ी लंबा जा रही है, क्या लिखा है नीचे देखिए, नाइट में निकलेंगे। अब ये ट्रेवल रहेगा तकरीबन 3500 किलोमीटर का। तो गाइस अपना सारा काम हो गया, फ्यूल रिफिल हो गया, फुल हो गया भाई टैंक, और मैं इसको जीरो कर लेता हूँ एक बारी भाई। श्री राम जय हनुमान, भगवान जी अपना आशीर्वाद बनाना, ये राइड इतनी अच्छी हो हम लोग बूम कर जाएं यूट्यूब पर, बस कुछ ऐसा चमत्कार कर देना। ये देखिए ये तैयारी जीत की, चेक हो रहा है सब कुछ, सारा कुछ चेक करते हुए। लगेज यहाँ बांध दिया है, ग्लव्स अभी लटका दिए हैं कुछ इस तरीके से। ये प्रथम भाई की गाड़ी है, डेढ़ बज रहा है भाई, आज 6 साल का वेट हमारा पूरा हो रहा है। रोहन भैया हमारे साथ खड़े हुए हैं, आइए। और स्पेशल थैंक्स भाई, ये दिन भर साथ रहे हैं भाई लोग, और साहिल भाई भी, और अभी भी, और प्रथम हमारे साथ लाइट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये रेडी है RR 310, वो रेडी है अपनी डोमिनार 400। तो भाई आज वाले ब्लॉग पे भरपूर प्यार देना, भरपूर सपोर्ट करना, शेयर करना, कमेंट करना, बिकॉज आज हो रही है लॉन्ग राइड स्टार्ट, Day 1, और आज डेट है का दोस्तों मॉर्निंग है, एक तरीके से लगभग 1:30 बज रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अभी 2-3 घंटे में दिल्ली लगाएंगे गाड़ी, बाकी का मिलते हैं आप सीधे आपको GoPro पर। और बस एक काम जरूर करना दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों अभी देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं, उस राइड को हम लोग कर रहे हैं प्रारंभ। आज अपनी राइड है आगरा से नॉन स्टॉप भाई जम्मू, और देखते हैं कैसी रहने वाली है। होप कि भाई बढ़िया रहेगी, सब कुछ अच्छा चले। जय श्री राम जय हनुमान, जैसा कि हम लोग हर बार बोलते हैं एज यूजुअल। बस भगवान अपनी सपोर्ट बनाना, रक्षा करना, कोई गलती हुई हो तो माफ़ी देना, राइड हमारी बहुत अच्छी रहे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने चेक कर लिए हैं, लग रहा है प्रथम आउदा जोश। जे क्यों रो रहे हैं? भाई यार सपना पूरा हो रहा है अपना, ले लद्दाख का यस भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल वेट करा है मैंने, 6 साल।
और बस अपने चैनल को भाई सपोर्ट करिए जितना हो सके ना, तो भाई एक दिन हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधे कृष्णा, प्रभु रक्षा करना, राइड हमारी सक्सेसफुल हो। बाइक में मैंने फ्यूल दोस्तों पहले ही रिफिल कर लिया था, क्योंकि रोहन भैया को अगली साल हमारे साथ चलना है और साहिल भाई को भी। अभी देखो लगभग 1:40 हो गए हैं, तो देखते हैं भाई लेह लद्दाख कब तक पहुँचते हैं, और आज डेट है भाई 29। तो अभी मेरे को एक ब्लॉग का थंबनेल डालना है जिसके अंदर हम प्रिपरेशन कर रहे थे, देन उसके बाद एक ब्लॉग और है, फिर लेह लद्दाख की सीरीज करेंगे हम लोग स्टार्ट। ओके, बाकी का तो सब बढ़िया रहना ही रहना है, और आप लोग ना प्यार और सपोर्ट भरपूर रखना गाइस। ऐसे ही चलते हैं भाई आराम से, बिंदास होते हुए, मज़े लेते हुए राइड के, बिकॉज यार मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है यार। हाँ हाँ, गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है यार, मोटुल 300V से मज़ेदार एकदम। तो ये रहा भाई खेमका बजाज आगरा, इनका भी काफ़ी सहयोग है हमारा इस राइड के अंदर में। अगर आप कुछ भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो भाई खेमका बजाज से लीजिए। तो भैया लो जी लो, अभी आ गया है फर्स्ट टोल अपना, गाड़ी चल चुकी है 37.1 किलोमीटर। क्रूज़ कंट्रोल पर मैंने गाड़ी डाल रखी है, मस्त चला रहा हूँ भाई, क्रूज़ कंट्रोल से फ़ायदा तो काफ़ी है। एक्स स्पीड सेट कर रखी है 85 किलोमीटर पर आवर की, मज़ा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टोल कटवाते हैं गाड़ी का, पूरा दिल्ली तक का टोल लेंगे, ठीक है, और इसको फ्री करते हैं क्रूज़ कंट्रोल से। लो जी लो, पहुँच गए अपने टोल प्लाजा पर। नींद आ रही है आपको शायद रात हो रही है ना, पेमेंट कर देंगे कोई दिक्कत। मस्त मौसम लग रहा है चलते में, इतनी बात बोलूंगा सच्ची में ये क्रूज कंट्रोल बड़े काम का है। मैं कंटिन्यूसली 1 घंटे से इसको चला रहा हूँ ऐसे ही 96 से 100 की रेंज में, मस्त चल रही है भाई अभी। एंड सेकंड टोल अपना आ गया है और म्यूजिक मस्त बज रहे हैं भाई इंटरकॉम में, मजा आ रहा है। हाँ प्रथम, मस्त बढ़िया है, हो गया, कोई बटन दबाया था मैंने अभी तो हो गया यार, ये बढ़िया है ना। एक मिनट रुको तो इसको सेट करता हूँ, अब कम हो गई, एक मिनट रुको भाई, कोई बटन दबाया सो ही मैंने कनेक्ट हो गया तुम्हारा है। तो एक पोलो की कार दिखी है, मैं अभी एक पोलो की कार दिखी है आगे, उसको ब्लॉग में कवर कर रहा हूँ, रोशनी मस्त है, 130-140 चला रहा है बंदा। ये देखो भाई इस रोशनी इसकी, ओहो अभी जेवर वाला जो टोल है वो लास्ट वाला टोल आ चुका है, ये हमारा थर्ड टोल था दोस्तों, और अभी देख लो 150 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, एंड टाइम हो रहा है 4:45 का भाई, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे के आसपास में हमने गाड़ी लगा दी है, 1.25 घंटे में। अभी पहले करेंगे भाई कुछ पेड़ पूजा, बिकॉज यहाँ पर है शिवा ढाबा। शिवम भाई और हम आए थे ना तब यहीं से आए थे, शिवा ढाबा। पता नहीं यार दोस्तों मेरे इस वाले घुटने में पेन हो रहा है, डॉक्टर से मेडिसिन तो ली थी बट आराम नहीं हो रहा है, बहुत तेज पेन हो रहा है यार, दिमाग ख़राब है। पहुंच गए, अब करेंगे कुछ पेट पूजा, हवा एकदम अच्छी अच्छी चली है अभी हमारे आते, मौसम एकदम बढ़िया हो गया। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे गाइस, मैंने तो अपना ब्लॉग का काम निपटा लिया है, एक ब्लॉग अपलोड कर दिया है अभी, और ये बैग में अपने सामान सारे मेडिसिन और एनर्जी ड्रिंक सारा कुछ इसमें है। प्रथम भाई लग गए हैं पराठा खाने इस समय, कैसा है प्रथम? और एक पावर नैप भी ले लिया प्रीतम ने जस्ट 5 या 7 मिनट का, बट मेरा काम नहीं है, मैं घट्टा पावर नैप लूँगा 1.5 घंटे का, कहीं आगे चलकर लंबा रास्ता नापने के बाद, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर नापने के बाद। पहले भाई इसको फिनिश करते हैं, ताकि हम लोगों ने एक टी वो रखी हुई है, टी भाई इधर की बहुत अच्छी है, शिवा ढाबे की, यहाँ हम लोग बैठे हैं, डिसेंट है एकदम डिसेंट। एक अच्छा पावर नैप ले लिया दोस्तों, अभी बच गए हैं 4:45 लगभग, और हम लोग अब निकल रहे हैं शिवा ढाबा से। थोड़ा सा पावर ने प्रथम ने ले लिया, मैंने फ़ायदा उठा के कर लिया ब्लॉग एडिट इतनी देर में, और ये स्टिकर सबको भाई सबको राइड पे मिलने वाली हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का भाई निकलते हैं यहाँ से, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधे लगाते हैं नोएडा। सो दोस्तों मेरे पास में दो प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं नन्हे मुन्ने से, अभी स्टिकर मैंने आपको ही दिए थे ना,
हाँ तो ये दोनों है। व्हाट्स योर गुड नेम? आपका? परसों पर ये वीडियो शायद कल या परसों आएगा, वो समझा रहे हैं लेह लद्दाख राइड पे ये लिखा है ना। अच्छा। लद्दाख राइड सीधे लंबा सफ़र है। लगभग 5 बज गए हैं, ठीक है 10 मिनट में 5 बज जाएंगे और यहाँ से फ्री वाई अपन, ठीक है इसको रखते हैं जेब में, इसको फुल डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। देखो दोस्तों सुबह हो गई है, दिन निकल आया है और अभी अपना क्रूज कंट्रोल फिर से मैंने डाल दिया है गाड़ी पर। मस्त चल रही है भाई, बिल्कुल थकावट नहीं है, हाथ छोड़कर भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ट्राई नहीं करना बिकॉज इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। और भाई गाड़ी का परफॉर्मेंस डोमिनार का ना एक नंबर जा रहा है सीरियसली। हाथ लगने से है ना काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो गई और वेट बढ़ गया है, तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और इंडियन बाइक के अंदर में क्रूज कंट्रोल भाई बिल्कुल परमानेंट वाला मस्त काम कर रहा है। एक्सप्रेस वे अपना पूरा फिनिश होता है यहाँ। थैंक यू विजिट अगेन। नोएडा शहर में आने के बाद में एकदम ग्रीनरी ऐसी दिखती है ना, मज़ा आ जाता है भाई सीरियसली। अभी एकदम देखो पूरा के पूरा व्यू चेंज हो गया है, कितना ज़्यादा क्लीन है। सुबह सुबह भी एकदम मस्त और अच्छा लग रहा है। अब इतनी सुबह आने का एक फ़ायदा और है, अभी 5:30 बज रहे हैं तो तकरीबन अगर हम 7:30-8 बजे तक भी इस दिल्ली को पार कर देते हैं ना तो भाई अपना दिन बन जाएगा। अगर हम फंस गए इस ट्रैफिक में तो फिर लेने के लिए पड़ जाएंगे भाई। अभी थोड़ी सी वो आ रही है मेरे को सुस्ती, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरी गाड़ी में 3 सेल बचे हुए हैं और 194 किलोमीटर यानी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चल गई है मेरी बाइक। तो मोटा मोटा अगर रेशियो निकालें तो 300 किलोमीटर का रेंज दे रही है 3 डंडे में। ईजिली ये मेरे को 100 किलोमीटर निकाल देगी अगर मैं ऐसे ही चलाता रहा तो दैट्स गुड यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। ये कंफर्म है कि भाई आगे जेरी कैन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो मैं लेह वगैरह में से ख़रीद लूँगा जेरी कैन, क्योंकि पेंगोंग लेक वगैरह जाएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी कंफर्म। भाई फाइनली लद्दाख का सपना सच हो गया, ये बहुत बड़ी बात है यार, बिकॉज 6 ईयर से मैं लगा हुआ हूँ इसको पूरा करने में, बट हो नहीं पाता था कभी कुछ सिचुएशन, कभी कुछ। इवन आप ये लगा लो 2019 में तो एक ऐसा समय आया कि मैंने ने एक फ्रेंड की बाइक थी अपाचे RTR 160, उसको 10,000 रुपये देकर रेंट पर ले लिया, दोनों साइड के उसमें टायर लगवा दिए फ्रंट और रियर, बट सैडली मॉम ने नहीं जाने दिया या कुछ भी और भी इशूज़ थे तो फिर मैं नहीं जा पाया, वो पैसा भी बेकार गया। उसके बाद मैंने RS 200 भी रखी, तब भी नहीं जा पाया, NS से भी नहीं जा पाया, बहुत सारी कड़ियाँ थी। बट जब से ये डोमिनार अपने जीवन में आई है ना भाई, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और आप लोगों का सपोर्ट है और अच्छा हो रहा है और आगे और अच्छा होगा, बिकॉज मैं अपना ऑनेस्टली कंटेंट दूंगा जेन्युइनली और आप लोगों को प्यार और सपोर्ट दिखाना है। और इस ठंडी ठंडी हवा में सच्चे में है ना जो मज़ा आ रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश एयर मिल रही है, मज़ा आ रहा है भाई सुबह सुबह की हवा में। तो देखिए गाइस सूरज देवता आ चुके हैं, उठ गए हैं अब सूरज देवता, अब हल्की हल्की वार्म अप होने लगेगा मौसम और फिर जो होगी ना भाई सड़ी गर्मी पूरे दिन जो हमें झेलनी है। अभी से सोच सोच के रूप कहाँ पर जा रही है, और अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया सीरियसली, अक्षरधाम मंदिर निकल गया, बहुत सुंदर बना था भाई, मज़ा आ गया देखकर सुबह सुबह। राजघाट ओके, और आगे तो हमें पक्का बारिश मिलेगी एक्सट्रीम वाली यार, सही है हमारे रेनकोट वगैरह सब काम आएंगे भाई सब कुछ, पर अभी ज़रूरत नहीं है भाई, अभी बारिश ना पड़े कैसे भी करके, नहीं तो ब्लेन कोड है सब अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ का ISBT है वैसे, यहाँ का ISBT भाई साहब कितनी सुंदर जगह है यार। अभी अपन लोग जा रहे हैं करनाल वाले हाईवे पर, ओए होए दिल्ली यार सच्ची में बहुत सुंदर है यार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और ISBT इस साइड कश्मीरी गेट, वाओ यार दैट्स ग्रेट, क्या व्यू है यार, लुकिंग ऑफ द मेन व्यू, सुंदर अति सुंदर यार, मस्त सच्चे में बहुत बढ़िया यार। क्या साउंड था भाई, एक रेप बॉम्ब तो बनता था, बट यार यहाँ गाड़ियाँ बहुत डिसिप्लिन में चलती हैं यार सच्ची में यार। और यहाँ एक चीज़ और है, एक दूसरे से टच कर देते हैं तो कहते हैं भाई बुरा मत मानो, हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हैं, यहाँ तो ये सब चलता रहता है नॉर्मल है। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबे आने लग गए हैं
मैं हूँ इस समय पानीपत रोड पर और सोनीपत यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है गाइस। और इस समय देखिए गुलशन ढाबा ओरिजिनल वाला एस्कोडा का शोरूम। तो इस रूट पर काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबे आने वाले हैं। अभी तक मैंने रिफ्यूल नहीं किया है, 270 पॉइंट कुछ किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, अच्छी खासी भगाई भी। बागपत सीधे मुरथल सीधे सोनीपत इस साइड बागपत चलना है ना हमें। तो लो जी लो ये आ गया अपना सेकंड फ्यूल। अब अभी हम लोग भरा रहे हैं फ्यूल, देखते हैं कितना आता है। कितना? 10.17 लीटर। इसकी रसीद निकाल दीजिए। तो गाइस प्रथम की गाड़ी में निकल आया है अभी ये पंचर, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे बिकॉज ये ज़रूरी है पंचर बनवाना। करा लेते हैं अपनी गाड़ी की अगर हो जाए तो। आ गए एक एग्जॉटिक सी जगह पर भाई, उधर कराया हमने पॉल्यूशन और इधर हमें ये दिख गया हवेली। काफ़ी डिसेंट सा दिख रहा था, प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी थी, तो हम लोगों ने सोचा इधर आते हैं कुछ पेट पूजा करते हैं और थोड़ा सा इस जगह को करते हैं एक्सप्लोर। पहले देखिए प्रॉपर्टी कितनी डिसेंट है यार, मज़ेदार एकदम, मतलब सच्ची में यार कुछ अमेजिंग सा दिख रहा है ये, कुछ मतलब बहुत बढ़िया यार। लोकेशन सो फार सो गुड, वेरी नाइस। और अभी मेरी बैटरी तो थोड़ी डाउन है, बाइक देखिए UM का इंजन है इसमें, ओल्डेस्ट वाला, दैट्स ग्रेट। भाई प्रेजेंटेशन कितना ख़तरनाक है, विंटेज कार वगैरह सारा कुछ है। अपना जो टेबल है कुछ इस तरीके से है गाइस, अभी देखते हैं प्रथम को क्या चीज़ अच्छा लग रहा है। बाकी का बुकलेट का मैं प्रेजेंटेशन एक बार आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सही है। मेन चीज़ क्या है कि भाई ये देखिए यहाँ पर सारे वैरायटीज़ हैं और देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। अब तक की राइड हमारी काफ़ी सही चल रही है, सो फार सो गुड, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में भरी हुई। POC हमारा हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है और फ्यूल अप हम लोगों के हो गए हैं। अब सीधे रुकेंगे दोस्तों करनाल, ठीक है। तो गाइज अपने पराठे वगैरह आ रखे हैं, सेम है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो गया है दोस्तों 9:30 का, देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया यार, प्रथम लंबा ब्रेक हो गया। अब सुनो अब कोई ब्रेक नहीं है, बीच में ही ध्यान रखना। अभी गाइस मेरे को नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, मतलब ऐसा लग रहा है सो जाऊँ कहीं रुक कर, बट बहुत लंबा सफ़र है तो भाई अगर सो गया तो फिर हो जाएगा सारा काम ख़राब। प्रथम आगे निकल गया है, खींचता हुआ गाड़ी शायद। ये वही वाला फ्लाई ओवर है, यस, मनाली वाले ब्लॉक में जब मैं नाइट में चल रहा था, जब मैंने बताया था कि एक ऐसा फ्लाई ओवर है भाई ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये वही वाला है आई थिंक, बट पहले नाइट में था अभी डे में दिखा रहे हैं हम लोग उस चीज़ को। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों आप सभी? अभी थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो रही थी बॉडी, तो मैंने सोचा यार वाटर बोतल पानी ले लिया और इसके अंदर ORS का गोल डाला है तो जिससे एनर्जी हमारे अंदर बनी रहेगी। और प्रथम आ गए, प्रथम भी थोड़ा प्रॉब्लम में है, बट मेरे को जबकि लगती है मैं तुरंत रुकता हूँ भाई, मैं रिस्क नहीं लेता। अभी इसको फ्रीज करता हूँ, पूरा 1 लीटर वाटर है, यही करते रहेंगे, ORS के गोल डालते रहेंगे और चलते रहेंगे बस। बस आज 5-6 घंटे कट जाए उसके बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं रुका था एक वाटर ब्रेक लेने के लिए, नींद सी आ रही थी, खैर अभी ठीक हो गया है सब, चलते हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम काफ़ी आगे निकल गया होगा मेरे से, मेरे को आइडिया है, बट भाई सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में थी। सेफ्टी इन द सेंस कि भाई देखो लग रही थी गर्मी है ना, तो फिर मैंने सोचा भाई रुका जाए और रुक करके कुछ पानी वानी पी लिया जाए, तो मैंने ORS का घोल पी लिया। घोल पीने के बाद जो एनर्जी आई है ना अभी सही में सच्चे में सही है, अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और आज वाला ये दिन काफ़ी टफ कटना है, बाकी आज के बाद से J&K के बाद से भाई अपना समय फिर अच्छा कटने लगेगा। अभी का दिक्कत है जो भी है, फिर 3-4 दिन हम लोग नेटवर्क में भी नहीं रहेंगे, नेटवर्क भी नहीं मिलेगा भाई। सच्ची बोलूँ ना दोस्तों इतनी गर्मी में अगर GoPro हैंग होता है तो भाई बहुत गुस्सा आती है। और अभी मैं खड़ा हूँ कुछ ऐसी सी जगह पर, अम्बाला आपका हार्दिक स्वागत करता है भाई। अम्बाला आ चुके हैं हम लोग और दोपहर के तकरीबन प्रथम का कॉल आ रहा है, दोपहर के लगभग ये समझ लो 12 बज रहे हैं, 12 बजे हम लोग अम्बाला पहुँच चुके हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई फुल पावर। प्रथम आगे है, फ़ोन कर रहा है तो उसके बाद पहुँचता हूँ।
आई जी 68, क्या नंबर है भाई ये फॉक्सवैगन का। तो दोस्तों अभी काफ़ी लंबा हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है जिसके अंदर में 4:05 हो गए, बिकॉज इसको ब्रेक को लेने का रीज़न यही था कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि हालत ख़राब पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा यार रुक लेते हैं एक आध दो घंटे के लिए तो बेनिफिट रहेगा, और उसका बेनिफिट मिल भी गया है हमें। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, एसी रूम थे यहाँ भाई, बिकॉज होटल कम रेस्टोरेंट टाइप का था, थोड़ी सी पेट पूजा कर ली, वेज पुलाव ले लिया, हल्का ही लिया है, अब गर्मी का माहौल है ना थोड़ा बच करके चलना है भाई। अब सीधे यहाँ से निकलेंगे भाई, तकरीबन अब हमारा जो यात्रा है 565.5 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तकरीबन 300 किलोमीटर और चलना है हमने, तो आज आई थिंक इवनिंग तक हो जाएगा भाई। इस मशीन ने है ना मुझे दुनिया की सैर करा दी है सच्चे में यार बढ़िया एकदम बढ़िया। और अब आप लोग इतना भयंकर सपोर्ट बनाओ ना, एकदम क्राउड बवाल मचा दो गाइस, सपोर्ट कर दो भयंकर वाला जिससे कि कुछ अच्छा अपग्रेड आ जाए। सो, इस राइड का अपना थर्ड फ्यूल अप गाइस, एक तो कल इवनिंग में हुआ था, फिर आज हुआ था और अब हो रहा है, तो अभी सेल बिलिंग कर रहा है, देखते हैं कितना खाएगी ये दोबारा से। भरो स्पीड है, स्पीड है कहाँ है लगाइए, बस बस बस। सो दोस्तों यहाँ तक मैंने फुल करा दिया है भाई, एक्स्ट्रा ही भरा दिया है इसको, कितना है लो साहब, कार्ड से पेमेंट करेंगे आज हम। अभी हम लोगों ने जो टर्न लिया है गाइस वो 60 किलोमीटर हमें कम्प्लीटली स्ट्रेट चलना है, तब जाकर हम लोग पठानकोट पहुंचेंगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पर जो बसेस ये चलाते हैं ड्राइवर्स भाई अल्टीमेट है भाई, कार वालों को भी ये पीछे छोड़ रहे हैं, और मेरी स्पीड भी आप लिटरली आप देखिए 84 प्लस है, मतलब 90 पे भी मैं इसको नहीं टच कर पा रहा हूँ, देखो 90 लग गई मेरी गाड़ी और फिर भी वो बस काफ़ी आगे है। तो भाई सल्यूट है ऐसे मतलब ड्राइवर्स को यार, मतलब क्या कहना है यार, रोड भी टू वे है ओनली, मतलब टू लाइन ही बोलेंगे, थ्री लाइन नहीं है, उसके बाद में भी इनकी स्पीड और इसका कट मारने का तरीका देखना गाइस, मैं भी नहीं मार पाऊंगा इतनी जल्दी इतना शार्प कट, तो ये भाई इतनी बड़ी बस से मार रहे हैं भाई, सल्यूट है यार सच्ची में यार। पठानकोट है यहाँ से 101 किलोमीटर, जम्मू है 210, ओ माई गॉड, मैं तो अगर सोलो होता ना इस राइड को अब तक काफ़ी निकाल दिया होता, अभी प्रथम की स्पीड स्लो रख रहा है तो इस वजह से मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है, वरना मैं भी 100 प्लस चलता है हर हालत में। ओए होए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या भाई साहब, राइडर्स ही राइडर्स जा रहे हैं। भाई इतना इतना सामान लगाकर कैसे भागते हैं ये यार, ये बहुत परफेक्ट हैं यार, हम तो समझते थे हम भी परफेक्ट हैं, क्या कट मार रहे हैं लोंडे, एक पैर आगे रख करके, ओए होए ओए ये क्या है भाई, भाई पक्के खिलाड़ी हैं यार ये, क्या लीन मारा है उस बंदे ने, देखो यार सांप बना दिया एकदम गाड़ियों को, लगेज के साथ कर रहे हैं ये कारीगरी, भाई बुलेट पे देखो कितना ज़्यादा सामान लगा हुआ है, कितना लोड हो रखा है यार, ओए होए ओए होए भैया निकल चुके हैं डोमिनार वाले, भाई कैमरा बंद करने का मन नहीं हो रहा मेरा यार, इन लोगों के साथ मजा आ रहा है एक नंबर यार, सच्ची में मजा आ रहा है।
गाइस ये पठानकोट वाला रूट देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। और अभी प्रथम पता नहीं कौन सी स्पीड से चल रहा है यार, माइलेज निकालते हुए बहुत लेट करवा लेगा भाई। सच्चे में ना मैं लिटरली उन चार राइडर्स के साथ जुड़ गया था, इतना ज़्यादा मज़ा आया मेरे को उन राइडर्स के साथ, इतना ज़्यादा फन आया ना अपनी टक्कर के। थे भाई 110 हम कंटिन्यूसली चला रहे थे, मज़ा आ रहा था भाई लीन मारते हुए एकदम। सच्चे में ना ऐसे राइडर हों तो टाइम से राइड मिल जाएगी भाई। जनरी बहुत अच्छी चल रही है अपनी, जो जनरी है लेह लद्दाख की, आगरा टू लेह लद्दाख डे वन बहुत ऑसम है। थोड़ा थक गया हूँ बट अब एडवेंचर फील हो रहा है क्योंकि मौसम एकदम ऑसम हो गया है, फुल पावर मज़ा आ रहा है, फुल पावर। अभी पहाड़ चालू हो गए हैं ये देखो यू, और अभी जो टाइम हो रहा है टाइम भाई बहुत शायद ऑन हो मेरी तो दिख जाएगा आपको भाई, देख लो 7:05 हो गए हैं, यहाँ अंधेरा नहीं हुआ है अपने आगरा में, बिल्कुल अंधेरा हो गया होगा। ठीक है ये देखो आप पूरी रिवर दोनों साइड, और ये सामने पहाड़ पहाड़ हैं भाई, मस्त लग रहे हैं एकदम, अच्छे लग रहे हैं। और अभी एकदम से क्लाइमेट चेंज होने लगा है, फील हो रहा है अच्छा खासा क्लाइमेट चेंज होता हुआ। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, तो हम लोग एंटर कर रहे हैं भाई अब J&K में। किस किस को भाई J&K पसंद है बता देना गाइस एक बारी। अब पता नहीं यार शायद कुछ चेकिंग वेकिंग तो नहीं होती है, ये आइडिया नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई चेकिंग दिख नहीं रही है, काफ़ी लंबा सर्किट है यार। अभी देखो गाइस नाइट हो गई है चलते चलते, और रोड भी उतने ज़्यादा सही नहीं है बिकॉज खड्डे वड्डे आ रहे हैं, बट अभी भी 60 किलोमीटर बचा हुआ है। जम्मू यार कितना टफ है लद्दाख, ये ट्रक देखो किस साइज का है, ना तो इधर निकलने देगा ना इधर निकलने देगा। पहुंच चुके हैं जम्मू, अभी हम हैं J&K में। जो भी यहाँ से मेरे सब्सक्राइबर हैं कमेंट करके बता दो भाई कौन कौन है, ठीक है। हालत तो मेरी डाउन हो चुकी है, पहले मैं होटल लूँगा उसके बाद मैं नहाऊँगा धोऊँगा फिर ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। यार है तो बहुत बढ़िया जम्मू, ये उस साइड पूरी लाइटिंग वाइटिंग दिख रही है, कुछ तो है ये अच्छा। अब मुझे नहीं पता इस जगह को क्या बोलते हैं, कुछ तो होगा बढ़िया है यार, काफ़ी डिसेंट सा बना हुआ है। ये देखो साइड में पूरा रेड रेड हो रखा है ब्रिज पर, लाइटिंग पूरी फ्लैश हो रही है रेड कलर की। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क अगर कोई कैटेगरी है तो मैं फोटो ब्लॉगर की ही डालूंगा, बिकॉज यार इससे ज़्यादा टफ तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने रूम ले लिया है, ये कुछ इस तरीके का रूम है। प्रथम को मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, नीचे का शॉट नहीं दिखाऊंगा, और ये टीवी लगा है रूम, कुछ हेलमेट अपना क्लीन करने डाल दिया इससे 20 टा के क्लीनर से भाई। तो ये डे वन का ट्रिप था भाई अपना, ठीक है। इसको ऐसे जस्ट अप्लाई करना है, हो गया सब तो मैंने कर दिया अच्छे। और इधर से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त सी, अपनी जो बाइक पार्क है फुलका सिम सिम, तो यहाँ पर AC लगाए अपना एंड वो खड़ी हैं अपनी बाइकें, बिल्कुल सेफ पार्किंग, ठीक है। टेम्परेचर तो यहाँ काफ़ी है भाई जम्मू के अंदर में, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ जब यहाँ से आगरा जाएंगे तब हमारा क्या होगा यार। कोशिश करेंगे नाइट में निकलें, क्यों प्रथम आगरा के लिए, नहीं तो भाई साहब आग लग जाएगी। और वॉशरूम अपना क्लीन दिया है भैया ने, वॉशरूम बढ़िया है एकदम, बड़ा वॉशरूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मेरा हुलिया देख लो गाइस कैसा हो गया, अभी मैं नहा धोकर फ्रेश होता हूँ देन फिर ब्लॉग को एडिट करने बैठेंगे। और प्रथम भी, प्रथम ने तो आधे से आधा निपटा दिया, बाकी का ये टीवी है तो इसका तो मेरा कोई इतना काम नहीं है। अब हेलमेट फटाफट से क्लीन करते हैं देन उसके बाद में इस ब्लॉग को एडिट करते हैं। होप यू गाइस के ये वाला ब्लॉग आपको काफ़ी सही लगा हो, काफ़ी सही लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब वेट करिए आप पार्ट टू के लिए, क्योंकि कल हम निकलेंगे यहाँ से J&K से जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर के लिए, तो फिर जो पार्ट टू होगा वो पूरा श्रीनगर की सीरीज होगी, उसके अंदर उसको भी अपना भरपूर प्यार देना। और इसी नोट पे इस वीडियो को करते हैं, टिल देन गाइस सेफ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।